तो हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप ऐड आ गया। तो ऐसे ऐड वाले प्रॉब्लम काफ़ी मेरे फोन में आता है कि होता क्या है, कभी हम लोग ब्राउजिंग करते कहीं और इलीगल वेबसाइट वगैरह पर कभी कभी चले जाते, तो वहाँ से क्या जाता होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं हमारे फ़ोन में, ठीक है। वो बार बार ऐड वगैरह शो करते रहे। इसे आपको ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके सिंपल से अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। आपको वहाँ ऐप्स, जहाँ ऐप्स वगैरह होंगे उस जगह चले जाना। आप सर्च करके भी जा सकते हो, डायरेक्ट आप ढूंढ भी सकते हो। तो ऐप में जाने के बाद आपको देखो, आप जैसे पहला देख सकते हो, पहले बिल्कुल ब्लैंक से दिखा रहा था मेरा कॉलम, ठीक है। उसमें देखो कुछ साइज भी आ रहा है, और या इसमें क्या है, आइकन और नेम, यानी 88 KB का और आइकन और उसका नेम नहीं आ रहा उस एप्लीकेशन का, जो कि देखिए आप 69.8 MB, यानी कुछ भी नहीं है, फिर भी 69.8 MB की चीज़ क्लियर। तो आपको एक बार अपने फ़ोन में चेक कर लेना कि ऐसे कोई और एप्लीकेशन तो नहीं है। तो मेरे फ़ोन में नहीं, एक यही है। आपको इसे क्लिक करना है, आपको इसे स्टोरेज पे आना है, क्लियर कैशे करना है, क्लियर डेटा भी करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो कहीं पड़ा होगा तो दोबारा इंस्टॉल नहीं होगा। फिर से फोर्स स्टॉप करके इसे अनइंस्टॉल कर लेना है, याद रहे फोर्स स्टॉप जरूर कर लेना। फोर्स स्टॉप करके अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर ऐड आपके फ़ोन में नहीं शो होगा, ठीक है। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल में आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।